पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, सबकी है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट बैठक में शामिल न होने पर सिद्धू ने कहा कि वे अकेले मंत्री हैं जिन्हें सरकार में तवज्जो नहीं दिया जा रहा। गुरुवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मुझे 2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी और दोनों सीटों पर कांग्रेस जीती है। भटिंडा सीट पर मिली हार के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि ये आरोप गलत है। कई कैबिनेट मंत्री मेरा इस्तीफा चाहते हैं। कैप्टन साहब भी हार के लिए मुझे जिम्मेदार मान रहे हैं, जबकि ये जिम्मेदारी सबकी है। सिद्धू ने कहा कि मेरे विभाग को निशाना बनाया जा रहा है, किसी के पास चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता होनी चाहिए। मेरा फायदा नहीं उठा, मैं एक कलाकार रहा हूं, मैं पंजाब के लोगों के प्रति जवाबदेह हूं। गुरुवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक में स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू नहीं पहुंचे। इससे पहले चुनाव परिणाम की समीक्षा को लेकर 30 मई को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से बुलाई गई बैठक में भी सिद्धू नहीं आए थे। इसे कैप्टन ने बेहद गंभीरता से लेते हुए पता कराया था कि सिद्धू को बैठक में शामिल होने का संदेश भेजा गया था या नहीं। लोकसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस को 13 में से 8 सीटें मिली, बीजेपी अकाली दल को 4 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली। इस पर पंजाब में बवाल हो गया। शहरी इलाकों में कांग्रेस को हुए नुकसान के लिए कैप्टन ने सिद्धू को जिम्मेवार ठहराया है। इतना ही नहीं, राज्य के कई मंत्रियों ने यहां तक कहा कि अगर सिद्धू सीएम कैप्टन के नेतृत्व में काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें।